तो दोस्तों वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बहुत बड़ा गिव अवे रखा गया, इसी वजह से आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी की शुरुआत में हमें यहाँ पर इस साल मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। और इस साल के मेगा ऑक्शन का अब लगभग 1500 प्लेयर भाग बनेंगे, लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले ही अब 10 प्लेयर ने अपनी आईपीएल टीमों में बदलाव कर दिया, यानी 2021 के आईपीएल एडिशन में अब जिन टीमों से ये प्लेयर खेले थे उन टीमों को छोड़कर अब मेगा ऑक्शन से पहले ही नई टीमों में शामिल हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको इन 10 प्लेयर के नाम बताऊंगा, आपको सभी प्लेयर की कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर मेगा ऑक्शन से पहले कौन से 10 प्लेयर ने अपनी टीम में बदलाव किया है। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएल के सेकंड लेग में मैंने एमपीएल पर फैंटेसी टीम्स बनाकर, मैंने 20 फैंटेसी टीम्स बनाकर मैंने 6 लाख रुपए जीते थे। और अब वर्ल्ड कप में ही मैं एमपीएल पर हर एक मुकाबले में अब 20 टीमें बनाकर लाखों रुपए जीतूंगा। आज के मुकाबले की मैंने 19 टीमें बना दी, 20वीं टीम आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे। इतना ही नहीं, एमपीएल पर अब यहां पर इंडियन मैच के दौरान आप 2 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो, और आप यहां पर 35 रुपए डिपॉजिट करके आप 1000 रुपए का यहां पर कैशबैक प्राप्त कर सकते हो। और यहां पर आप फ्री में टीम बनाकर भी लाखों रुपए जीत सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पर विनर्स के भी नाम देख पा रहे होंगे, तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप एमपीएल डाउनलोड करके आप भी अपनी विनिंग शुरू कर दे ताकि आपका भी यहां पर विनर की लिस्ट में नाम आ जाए। अब हम बात करते हैं आखिर कौन से 10 बड़े नामी प्लेयर्स ने आखिर मेगा ऑक्शन से पहले ही अपनी टीम में बदलाव करने का मन बना लिया। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है डेविड वॉर्नर का। दरअसल हैदराबाद के मैनेजमेंट ने डेविड वॉर्नर को इस साल कप्तानी से रिमूव कर दिया था, प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया था। इसी वजह से आईपीएल के दौरान इन्होंने मन बना लिया था कि हैदराबाद की तरफ से अब कंटिन्यू नहीं रहेंगे। और अब तो हैदराबाद के मैनेजमेंट भी इनको यहां पर अपनी टीम से यहां पर पूरी तरीके से रिलीज कर चुकी है, तो ये मेगा ऑक्शन का भाग होंगे। लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले ही अब आरसीबी, इसके साथ ही राजस्थान जैसी टीमों ने, इवन सीएसके की टीम ने भी इनके साथ अप्रोच करी है। तो मेगा ऑक्शन से पहले ही अब ये पता चल चुका है कि इनका टीम बदलना थे मेगा ऑक्शन में। अब इन 3-4 टीमों में से कोई एक टीम इनको परचेस करेगी। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। दरअसल ट्रेंट बोल्ट को भी अब एमआई की टीम रिटेन नहीं करेगी, इवन इनके साथ भी कुछ आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने अब अप्रोच करी जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम इनको परचेस करना चाहती है। तो कुल मिलाकर राजस्थान, पंजाब या फिर किसी अदर टीम में अब ये कन्फर्म रूप से चले जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, तीसरे नंबर पर नाम आता है अंबाती रायडू का। दरअसल अंबाती रायडू आईपीएल में केवल 2 से 3 साल कंटिन्यू रहेंगे। कुल मिलाकर इस साल का मेगा ऑक्शन उनके लिए लगभग आखिरी रहेगा। इस साल के मेगा ऑक्शन के बाद शायद दोबारा ऑक्शन में हमें ना देखे, इसी वजह से आरसीबी की मैनेजमेंट ने ये कंफर्म किया है कि वो इनको परचेस करके अपने मिडल ऑर्डर में इंक्लूड करेगी ताकि आरसीबी के साथ ये लगभग 2-3 साल कंटिन्यू रह सके और इस टीम को यहाँ पर पहली आईपीएल खिताब जिताने में मदद कर सके। तो कुल मिलाकर अब अंबाती रायडू यहाँ पर आरसीबी की मैनेजमेंट में आएंगी, ये लगभग मेगा ऑक्शन से पहले ही तय हो चुका है। अब बात कर लेते हैं चौथे प्लेयर की, तो चौथे नंबर पर नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार को भी अब हैदराबाद की टीम कंफर्म कर चुकी है कि रिटेन नहीं करेगी, और एमआई की मैनेजमेंट ने ये कंफर्म किया है कि उन पर ये बोली लगा कर एमआई की मैनेजमेंट इनको मेगा ऑक्शन में अब परचेस करने का ट्राई करेगी। तो भुवनेश्वर कुमार को लेकर भी ये कंफर्म हो चुका है या फिर मेगा ऑक्शन से पहले ये भी लगभग अपनी टीम में बदलाव कर चुके हैं। अब पांचवें नंबर पर नाम आता है यहां पर केएल राहुल का। दरअसल केएल राहुल भी अब पंजाब के साथ कंटिन्यू नहीं रहेंगे, केएल राहुल ने भी इस बात पर अनाउंसमेंट कर दी है। और पंजाब के ओनर नेसवाड़िया ने भी ये बता दिया है कि केएल राहुल अब इस टीम को छोड़ने का मन बना चुके, तो इसी वजह से अब केएल राहुल मेगा ऑक्शन का भाग होंगे। इवन एमआई के फ्रेंचाइजी ने इनको परचेस करने के लिए भी यहां पर अनाउंसमेंट करी, ना सिर्फ एमआई बल्कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी भी और राजस्थान की फ्रेंचाइजी भी, इसके साथ ही सीएसके की फ्रेंचाइजी भी अब इनको परचेस करने का ट्राई करेगी। तो एक तरीके से मेगा ऑक्शन से पहले ही अब ये तय हो चुका है केएल राहुल मेगा ऑक्शन में अब बड़ी प्राइसिंग में बिकेंगे। इनमें से काफी सारी टीमें इनके बीच आएगी और यहाँ पर काफी बड़ी प्राइसिंग में अब ये मेगा ऑक्शन में यहाँ पर बिकेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कितने करोड़ में कौन सी आईपीएल टीम में अब केएल राहुल की एंट्री होगी। इसके बाद छठे नंबर पर नाम आता है कुलदीप यादव का। ये तो पहले ही कन्फर्म हो चुका था कि कुलदीप यादव केकेआर की तरफ से रिटेन नहीं होंगे और मेगा ऑक्शन में अब आरसीबी एमआई हैदराबाद की टीम शायद इनको परचेस कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम को आखिर कुलदीप
यादव को परचेस करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवें प्लेयर की, सातवें नंबर पर नाम आता है सुरेश रैना का। सुरेश रैना को सीएसके के मैनेजमेंट आखिरी के कुछ मुकाबलों में यहाँ पर प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया था। ये टीम इनको रिटेन नहीं करेगी और मेगा ऑक्शन में अब शायद पंजाब की टीम इनको परचेस कर ले, आरसीबी की टीम भी एक्सपीरियंस के बेसिस पर अब इनको परचेस कर ले, राजस्थान की टीम भी इनको परचेस कर ले। तो कुल मिलाकर अब सुरेश रैना मेगा ऑक्शन का भाग होंगे। मेगा ऑक्शन से पहले ही अब लगभग ये तय हो चुका है कि ये भी 2-3 करोड़ में किसी नई फ्रेंचाइजी में अब चले जाएंगे। आठवें नंबर पर नाम आता है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या को भी एमआई की टीम यहां पर अपनी टीम से रिलीज करने का मन बना चुकी है, कंफर्म कर चुकी है और सीएसके की टीम सबसे अधिक इनमें इंटरेस्टेड है। कुल मिलाकर अब सीएसके की टीम शायद हार्दिक पांड्या को परचेस करके अपनी टीम में 3 साल कंटिन्यू रखना चाहेगी। जबकि नवे नंबर पर अब नाम आता है कुरुणाल पांड्या का। कुरुणाल पांड्या को भी अब एमआई की टीम रिटेन नहीं करेगी, शायद पंजाब की टीम इनको परचेस कर ले, शायद हैदराबाद की टीम इनको परचेस कर ले। और दसवें और आखिरी नंबर पर नाम आता है सुरेश अय्यर का। दरअसल अय्यर को भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपनी टीम से यहां पर बाहर करने का या फिर रिलीज करने का मन बना चुकी है। ये भी मेगा ऑक्शन का भाग रहेंगे और मेगा ऑक्शन में हो सकता है कि नई आईपीएल फ्रेंचाइजी इनको परचेस कर ले या फिर आरसीबी की टीम इनको परचेस कर ले। तो कुल मिलाकर इन 10 प्लेयर का तो मेगा ऑक्शन से पहले ही बिकना तय हो चुका है। मेगा ऑक्शन में ये काफी महंगे, काफी बड़े प्राइस में बिकेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन प्लेयर्स में से आखिर आपकी फेवरेट टीम को कौन से प्लेयर को परचेस करना चाहिए और कौन सा प्लेयर सबसे एक्सपेंसिव बिकेगा। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं गिव अवे की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप एमपीएल डाउनलोड कर ले। इसके साथ ही आप गिव अवे लिंक को ओपन करके वहां पर इजी क्वेश्चंस के आंसर देकर आप एप्पल के एयरपोर्ट, इसके साथ ही आप विराट कोहली की साइन मर्चेंडाइज जीत सकते हो। तो आप अभी देर ना करें, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से एमपीएल भी डाउनलोड कर ले। इसके साथ इजी क्वेश्चंस के आंसर देकर अपनी विनिंग शुरू कर दें।